चलिए आइए इसी बीच रुकाते एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है आपकी भोपाल से, जहां पर आज बसंत पंचमी का त्योहार देशभर में मनाया जा रहा है। मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है, मंदिरों में इसके लिए विशेष पूजा अर्चना हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि मंदिरों में एंट्री के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि मंदिरों में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मां सरस्वती की आज पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही लोगों का तांता मंदिरों के बाहर लगा हुआ है। आपको बता दें कि आज देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां पर मां सरस्वती की आराधना की जाएगी, पूजा अर्चना की जाएगी और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना आज होती है और इसी को लेकर सुबह से ही लोगों का तांता मंदिरों के बाहर लगा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि मंदिर में एंट्री के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना इस दिन को लेकर होती है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस बार मंदिर में एंट्री दी जाएगी। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आज देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, यानी कि मां सरस्वती की आज सुबह से ही आराधना की जाती है और इसीलिए आज सुबह से ही मंदिरों के बाहर तांता लगा हुआ है भक्तों का। मंदिरों में इस दिन विशेष पूजा अर्चना होती है, लेकिन इस बार मंदिर में एंट्री सिर्फ और सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर ही दी जाएगी। मंदिर परिसर के अंदर और मंदिर परिसर के बाहर भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान भक्तों को रखना होगा। तो भोपाल से लगातार ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन मां सरस्वती की आराधना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि आज मंदिरों में एक विशेष पूजा अर्चना मां सरस्वती जी की जाती है। साथ ही इस दिन भक्तों का तांता सुबह से ही मंदिरों के बाहर लग जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार मंदिरों में एंट्री सिर्फ उन्हीं ही मिलेगी जो कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे।